हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को 18 से ऊपर के सभी लोगों को एक महीने के अंदर वैक्सीन लग जाए ऐसा हमने एक संकल्प लिया है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष एकत्रित हुए हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हमने एकत्रित किए और एक महीने के अंदर विधानसभा में हर 18+ व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए ये हमने टारगेट किया है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने हर वार्ड में 2-3 सेंटर्स वैक्सीनेशन सेंटर्स बने, सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग की है, वो व्यवस्थित रहे सेंटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहे, आशा कार्यकर्ता रहे, टेंट तंबू व्यवस्थित रहे, जगह अच्छी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठने की व्यवस्था रहे, ये सारी व्यवस्था उस सेंटर पे रहे, सबसे पहले तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं। उसके बाद जब एक बार सेंटर प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाएगा, लगभग हो ही गए सेंटर को, फिर वार्ड में हम लोग वार्ड स्तर की बैठकें करेंगे और वार्ड स्तर की बैठकें करेंगे, जैसे आज 10 बूथ के कार्यकर्ताओं को बुला लिया, कल 10 बूथ के कार्यकर्ताओं को बुला लिया, और जिन कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लग गई है उन कार्यकर्ताओं की टोली बनाएंगे और वो कार्यकर्ता घर घर जाएं और ये सुनिश्चित करें कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा कि नहीं लगा। अगर वो 45 के ऊपर वाला है तो उसको ये बताएंगे कि आप हमारे क्षेत्र में कहाँ पर सेंटर है, नियरेस्ट सेंटर कहाँ है और कहाँ जाकर के वो वैक्सीन लगा सकता है। अगर कोई 18 से ऊपर वाला है तो उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसा होता है उसकी जानकारी दें। कुल मिलाकर के आने वाले समय में जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कुछ जैसे ऑटोज और वो वाले कैंपेन्स भी चलाएंगे, उसके माध्यम से भी लोगों को घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जानकारी देंगे कि वैक्सीन जरूर लगाएं। और इस दौरान जब भी कार्यकर्ता फील्ड पे जाएगा तो विधानसभा 3 में और भी बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे एक तो हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं, हम लोग भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हमने कर रखी है, निःशुल्क कोरोना की जांच हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, सशुल्क रेमडेसिविर की व्यवस्था अस्पतालों के माध्यम से अगर किसी को रेमडेसिविर की तकलीफ आ रही है तो वो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कंट्रोलों पे हमारे लोग, हमने जिम्मेदार लोगों को कहा है कि कंट्रोल वाले ईमानदारी से राशन बांट रहे हैं कि नहीं ये सुनिश्चित करें, अगर किसी भी गरीब व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा तो पात्रता पर्ची बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इन सारे फ्रंट्स पे जो मुख्यमंत्री जी की जो 2 योजनाएं आई हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा दिखता है जिसके माता पिता कोरोना से एक्सपायर हुए हैं तो उसकी सूची ये लोग बना लेंगे इसी दौरान। जब भी सरकार काम करे तो हम लोग ये काम उस पर चालू करेगी कि तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यार हमारे क्षेत्र का एक भी बच्चा उस योजना में जो आना चाहिए वो आ तो गया है ना, ये सुनिश्चित करेंगे। 1 लाख रुपए जो अभी सरकार ने योजना निकाली है तो घर घर अगर किसी की डेथ हुई है कोरोना में तो उसको 1 लाख रुपए की सहयोग मिला है कि नहीं उनकी लिस्टिंग करेंगे और जब सरकार देना चालू करेगी तो ये सुनिश्चित करेंगे कि उसको 1 लाख का सहयोग मिला है कि नहीं। ऐसे कुल मिला के वैक्सीनेशन को सबसे आगे रख के हम लोग फील्ड पे जाएंगे और उस दौरान अगर जो अन्य समस्याएं अगर देखने में आती है तो इतने सारे टूल्स हमने खड़े करनी है कि हम किसी भी व्यक्ति को हर तरह से मदद कर सकते हैं, मदद दे सकते हैं। तो हम लोग अब कोरोना को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से विधानसभा 3 में लगे थे और अब हमने और स्पीड अपनी बढ़ा दी है, किल कोरोना अभियान यही है हमारे लिए। देखिए लगभग तो अगर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन का ही सारा सिस्टम होता फिर तो हम लोग 1 हफ्ते में ही सबको वैक्सीनेट करा लेते, मगर क्योंकि ये ऑनलाइन वाला जो स्लॉट्स मिलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में ही रहती है, हमारे हाथ में ही रहती है, तो कोशिश करेंगे कम से कम पहला डोज तो सबको लग ही जाए 20-25 दिन में, पहला डोज तो कम से कम लग ही जाए। ऑन साइट वालों को तो हम लोग कर ही देंगे, जो ऑनलाइन वाला है उसको भी हम पूरा स्लॉट बुक करने में सहयोग करेंगे, उसको जानकारी देंगे, गाइड करेंगे कि कैसे स्लॉट बुक करते हैं,
पूरा उसमें सहयोग करके कोशिश करेंगे कि कम से कम एक डोज तो हमारी विधानसभा में हर व्यक्ति को 20-25 दिन में लगे। देखिए चर्चा चल रही है, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उसके लिए भी खुशखबरी आएगी।